बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होते या कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होती, उसके कुछ कारण है, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं कि बिजनेसेस थ्राइव क्यों नहीं होते, बहुत ज्यादा संपन्नता क्यों नहीं है बिजनेस में, बहुत ज्यादा ग्रो क्यों नहीं करते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होना है कि कंपनी को ग्रो करना है तो देखना पड़ेगा कि खाली कंपनी ग्रो हो रही है और 10% से ग्रो हो रही है, एक साल में 10%, 15% ग्रोथ, तो नेचुरल ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि एक साल में डबल ग्रो हो रहा है, डबल सेल है, ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा है? क्योंकि क्या होता है कि अकेला जब आदमी काम करता है बिजनेस में तो फिर वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता। तो कंपनीज ग्रो क्यों नहीं होती, नंबर एक रीज़न है कि आदमी अकेला अकेला काम करता है, वो पर्सन ड्रिवन है, मतलब अकेला आदमी काम करता है और सब काम मैं ही करूँगा ऐसा वो बोलता है, नंबर एक। नंबर दो, फंड्स की मैनेजमेंट नहीं होती, कभी कभी फंड्स की मैनेजमेंट नहीं होती, और फंड्स जब मैनेज नहीं होता बराबर तो प्रॉब्लम आता है। नंबर तीन, टीम की ट्रेनिंग नहीं है, टीम का कल्चर, टीम का एटीट्यूड, टीम का एप्टीट्यूड, एज ए टीम सब लोग काम नहीं कर रहे तो एक कारण होता है, टीम बराबर नहीं है, टीम में लीडरशिप नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, मतलब SOPs नहीं है, तो सिस्टम काम नहीं कर रही, SOPs नहीं है, सिस्टम काम नहीं कर रही है, जैसा पर्सन को लग रहा है दिमाग को वैसा वो काम कर रहा है। नेक्स्ट, इनोवेशन या चेंज नहीं ला रहे। जब इनोवेशन या कुछ नया नया नयापन लाते नहीं है कंपनी में, या कोई चेंज नहीं लाएंगे, जैसा काल अभी आगे आगे बढ़ रहा है, जैसा टाइम आगे आगे बढ़ रहा है, रोज नया नया मार्केट में आ रहा है, आप यदि चेंज नहीं करोगे, वही पुराना धंधा करते बैठोगे और अपने धंधे में कोई चेंज इनोवेशन नहीं लाओगे तो कंपनी ग्रो नहीं होगी। तो ये मेन कारण है कि कंपनी ग्रो क्यों नहीं होती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक तो है पर्सन काम कर रहा है, प्रोप्राइटर अलोन काम कर रहा है। नंबर दो, वहाँ टीम कल्चर नहीं है, एटीट्यूड एप्टीट्यूड टीम का नहीं है, लीडरशिप नहीं है टीम की। नंबर तीन, सिस्टम्स काम नहीं कर रही है, और सिस्टम्स नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है तो इमोशनली डिसीजंस लिए जाते हैं। नंबर चार, फंड्स नहीं है मैनेज हो रहे बराबर। नंबर पाँच, चेंज या इनोवेशन जो है वो चेंज नहीं लाते हैं, इनोवेशन नहीं करते हैं, और जब चेंज इनोवेशन कंपनी में नहीं होते तो कंपनी ग्रो होती नहीं है। तो ये पांच रीज़न है। आपको ऐसा लगता है कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनकी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।